नमस्कार, आइए बात करते हैं राज्य की तमाम बड़ी खबरों की। वहीं आज राजस्थान में होंगे बड़े बदलाव, किसानों के लिए भी बड़ी खबर, सीएम भजनलाल शर्मा का बड़ा ऐलान। चलिए जानते हैं आज की तमाम बड़ी खबरें, बने रहिएगा अंत तक। पर्यटन का सिरमौर, राजस्थान पर्यटकों की पहली पसंद है, यहाँ आने वाला प्रत्येक पर्यटक हमारा अतिथि है। इस उद्देश्य के साथ राजस्थान में पर्यटकों और विशेष महिला पर्यटकों के साथ सम्मानजनक व संवेदनशील व्यवहार करने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने बताया कि उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी की मंशा है कि प्रदेश में आने वाला प्रत्येक पर्यटक यहाँ यादगार पल बिताकर जाए। साथ ही महिला पर्यटकों के साथ सम्मानजनक व्यवहार के लिए प्रदेश के सभी पर्यटन स्थलों पर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें जयपुर समेत जोधपुर, जैसलमेर, उदयपुर, बीकानेर, अजमेर, भरतपुर सहित प्रमुख जिलों के पर्यटक स्थलों पर दुकानदारों, पर्यटक और गाइड्स और आमजन को पर्यटकों के सम्मानजनक व संवेदनशील व्यवहार करने का संदेश दिया। पर्यटन प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने बताया कि अभियान के दौरान पर्यटकों को फीडबैक फॉरम देकर उनकी समस्याओं को जानकर उस पर कार्रवाई भी की जा रही है। राजस्थान की पिंक सिटी को गोरबेज फ्री सिटी बनाने को लेकर अफसर अब फील्ड में उतर गए हैं। प्रमुख सचिव यूआईडी रवि कांत ने शनिवार को अवकाश के दिन करीब 4 घंटे तक दोनों नगर निगम आयुक्त और डीएलबी डायरेक्टर के साथ साथ अलग अलग साइट पर पहुंचकर घर घर से कचरा कलेक्शन से लेकर उनके एंड डिस्पोजल तक की व्यवस्थाओं को बारीकी से देखा। जयपुर शहर की मौजूदा सफाई व्यवस्था और उसमें क्या सुधार हो सकते हैं, इसकी ग्राउंड रिपोर्ट जानने आज प्रिंसिपल सेक्रेटरी यूडीएच रवि कांत ने डीएलबी डायरेक्टर सुरेश ओला, आयुक्त रुक्मणी रियार्ड और आयुक्त अभिषेक सुराना के साथ शहर का करीब 4 घंटे दौरा किया। उन्होंने सेवापुरा, मथुरा, दासपुरा, लांगड़िया वास में बने डंपिंग यार्ड, वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का निरीक्षण कर वहां 100% कचरे का निस्तारण अगले साल 25 जून तक शुरू करने के निर्देश दिए, ताकि शहर को कचरा मुक्त किया जा सके। सबसे पहले प्रमुख सचिव टी रविकांत मुरलीपुरा जोन में डोर टू डोर कचरा संग्रहण के लिए शुरू की रेडियो फ्रिक्वेंसी सिस्टम और उनकी मॉनिटरिंग व्यवस्था को देखा। उन्होंने इस सिस्टम के कंट्रोल रूम का भी निरीक्षण किया और गाड़ियों की मॉनिटरिंग को और बेहतर करने और 100% डोर टू डोर कचरा कलेक्शन करवाने पर जोर दिया। इस दौरान उन्होंने आमजन से भी कचरा कलेक्शन को लेकर फीडबैक लिया। कुछ लोगों ने कचरा नहीं उठाने की शिकायत की। निरीक्षण के दौरान मौजूद नगर निगम ग्रेटर कमिश्नर रुक्मणी रियाड और नगर निगम हेरिटेज कमिश्नर अभिषेक सुराना से इस तरह की व्यवस्था जल्द दूसरे जोन इलाके में भी शुरू करवाने के निर्देश दिए। अभी ऐसी व्यवस्था जयपुर के मुरलीपुरा और मालवीय नगर जोन एरिया में चल रही है। उन्होंने लाल डूंगरी ट्रांसफर स्टेशन की स्थिति का निरीक्षण करने के बाद दोनों निगमों के 10 ट्रांसफर स्टेशनों का आधुनिकीकरण करने का प्लान बनाने के निर्देश दिए। भूजल विभाग और पीएचडी में इन दिनों अशोक गहलोत के नाम की चर्चाएं जोर पर है। अशोक गहलोत ने एक ऐसा आविष्कार किया है जिसको लेकर उसकी तरफदारी हो रही है। इतना ही नहीं, नेशनल जल जीवन मिशन ने भी उनके आविष्कार को नई ऊंचाइयां दी। अब आप ये समझ रहे होंगे कि पानी वाले विभाग में आखिर अशोक गहलोत ने कौन सा आविष्कार किया, आखिर इतनी चर्चा क्यों है। राजस्थान के सियासी जगत में अशोक गहलोत का जादू सिर चढ़कर बोला, लेकिन इन दिनों भूजल और जलदाय विभाग में अशोक गहलोत चर्चाएं तेज है। लेकिन ये अशोक गहलोत सियासी जादूगर नहीं बल्कि जल विभाग के एक्सएन जिनका नाम है अशोक गहलोत, इन्होंने पानी की चोरी के लिए ऐसा आविष्कार किया जो किसी जादू से कम नहीं है। भूजल विभाग में डेपुटेशन पर लगे एक्साइन अशोक गहलोत ने पेयजल की टंकी और जीएलआर से पानी की चोरी रोकने के लिए एक उपकरण बनाया है। अगर कोई टंकी या जीएलआर तक सप्लाई होने वाले लाइन से पानी चोरी करने का प्रयास करेगा तो उसे पानी की जगह केवल हवा मिलती है, वो पेयजल आपूर्ति लाइन से बाहर हो जाएगा और सप्लाई बिना बाधित हुए सुचारू रूप से चलती रहेगी। इंजीनियर ने इस सिस्टम को ऐसा डिजाइन किया है जिससे लीकेज होने पर भी पानी की सप्लाई बाधित नहीं होगी। जैसे बिजली के टावर या पोल तारों को जमीन से ऊपर रखते हैं, उसी तरह जीसीटी पानी के लीकेज या चोरी होने पर प्रेशर को गिरने नहीं देता, वो उचित दाब बनाकर रखता है। इसके तहत पानी को वर्टिकल पाइप से ऊपर भेजते हैं, इससे ऊपर एरिया में उतना ही पानी सप्लाई होगा, उसके बाद उसे पानी की सप्लाई नहीं होगी। जीसीटी नाम का यह उपकरण टंकी या जीएलआर के ऊपर लगाया जाता है। इसे लगाने के बाद अगर कोई अपनी लिमिट से ज्यादा पानी उपयोग करने की कोशिश करता है या मोटर लगाकर पानी खींचना चाहेगा तो वो भी अतिरिक्त पानी नहीं ले पाएगा, क्योंकि यह जीसीटी ओवर डायरिंग को रोक देगा। इस सिस्टम से सबसे पहले 2016 में शेरगढ़ में लगाया गया, जहां बेहतर परिणाम भी मिले हैं। यह तकनीकी मेंटेनेंस मैन पावर व वियर टियर फ्री है। इसके लिए कंप्यूटर सेंसर वास्तविक डाटा के लिए 24 घंटे बिजली जैसा सुविधाओं की आवश्यकता भी नहीं है। इस सिस्टम को लगाने के बाद अगर कोई डिजाइन सीमा से अधिक पानी खींचने का प्रयास करता है तो यह सिस्टम स्वीकृति नहीं देगा और पानी रोक देगा, उसे केवल हवा मिलेगी जबकि बाकी संपूर्ण पाइप में जलापूर्ति सामान्य रूप से चलती रहेगी। जीसीटी के लिए अशोक गहलोत को 20 साल का पेटेंट मिला है। पूरी राजस्थान में दौसा लोकसभा सीट से बहुत अहम माना जाता है। जानकारों का मानना है कि यह सीट कांग्रेस और बीजेपी दोनों में बहुत महत्व रखती है। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव 2024 नजदीक आ रहे हैं, वैसे उम्मीदवारों के नाम को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। बताया जा रहा है कि दौसा सीट को लेकर दोनों पार्टियों के लिए करीब 10 से ज्यादा नेता कतार में है, लेकिन जानकारों का मानना है कि इस कांग्रेस सीट पर सचिन पायलट के नजदीकी को टिकट मिल सकता है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की ओर से किरोड़ीलाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा को टिकट दिया जा सकता है। राजस्थान की दौसा लोकसभा
सीट को लेकर दोनों पार्टियों में प्रत्याशियों में खींचातान का दौर शुरू हो गया है। दौसा सांसद जसकौर मीणा और किरोड़ी लाल मीणा के बीच की दरार किसी से छिपी हुई नहीं है। 2019 के लोकसभा चुनाव में किरोड़ी लाल मीणा के समर्थकों ने जसकौर का कड़ा विरोध किया था। जानकारों का मानना है कि इस बार भी किरोड़ी लाल मीणा के समर्थक जसकौर मीणा के खिलाफ खड़े हो सकते हैं। एसटी के लिए रिजर्व दौसा की लोकसभा सीट से कांग्रेस और बीजेपी मीणा समुदाय को टिकट देती रही है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह सीट परंपरागत तौर पर कांग्रेस का गढ़ कही जाती है, लेकिन पिछले दो लोकसभा चुनाव कांग्रेस को बीजेपी से हार झेलनी पड़ी है। दौसा की सीट से राजेश पायलट 5 बार सांसद रहे थे। वो इस सीट से किरोड़ी लाल मीणा को चुनाव हरा चुके थे। बता दें कि सचिन पायलट और उनकी मां रमा पायलट भी दौसा लोकसभा सीट से सांसद रह चुकी है। यही कारण है कि राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि कांग्रेस का टिकट उसी को मिलेगा जिसे सचिन पायलट चाहेंगे। जानकारों के अनुसार पिछले चुनाव में कांग्रेस विधायक मुरारी लाल मीणा की पत्नी को टिकट दिया गया था। माना यही जा रहा था कि इस बार मुरारी लाल को टिकट मिल सकता है। वही सियासी जानकारों का मानना है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी निवर्तमान सांसद जसकौर मीणा को टिकट देने के मूड में नहीं है, क्योंकि स्थानीय स्तर पर उनकी खिलाफत हो रही है। वहीं किरोड़ी लाल अपने भाई जगमोहन के लिए टिकट की पैरवी कर रहे हैं। बीजेपी शायद नजरअंदाज न कर सके। ईआरसीपी लिंक प्रोजेक्ट के बाद केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की पहल पर राजस्थान के कई अन्य जिलों को जल उपलब्ध कराने की दिशा में एक और ऐतिहासिक निर्णय लिया गया। हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से जल राजस्थान के चूरू सीकर झुंझुनू सहित अन्य जिले को न केवल पेयजल बल्कि सिंचाई के लिए भी पानी मिलेगा। शेखावत ने कहा कि राजस्थान और हरियाणा के बीच एक डीपीआर बनाने को लेकर सहमति बन गई है, जिसके तहत दोनों राज्यों के बीच अंडरग्राउंड पाइपलाइन के माध्यम से पानी वितरित किया जाएगा। शनिवार को नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री शेखावत ने अपने कार्यकाल में हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से राजस्थान को पानी देने की परियोजना पर राजस्थान के मुख्यमंत्री मदनलाल शर्मा, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ एक बैठक पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि राजस्थान के चूरू सीकर झुंझुनू सहित अनेक जिलों को इसका लाभ खासकर पेयजल के रूप में मिलेगा। इस डीपीआर की प्रक्रिया और पूर्णता के लिए 4 महीने का समय तय किया गया है। सेंट्रल वाटर कमीशन और अपर यमुना के रिवर बोर्ड की भी इसमें भागीदारी रही। शेखावत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में बन रही सहमति ऐतिहासिक है। 2 दशक से अटके मुद्दे पर यह एक ठोस और स्थायी समाधान की दिशा में मजबूत कदम है। निश्चित ही राजस्थान में जल उपलब्धता के विषय में मील का पत्थर साबित होगी। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी का आभार जताया, साथ ही मुख्यमंत्री खट्टर और मुख्यमंत्री मदनलाल को भी साधुवाद दिया। उन्होंने कहा कि यह आपसी सहयोग की भावना से संभव है, यह ऐतिहासिक पल है। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री शेखावत के साथ मीडिया से रूबरू होते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री मदनलाल शर्मा ने केंद्रीय मंत्री शेखावत और हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर का आभार जताया। उन्होंने कहा कि यह बहुत लंबे समय से लंबी योजना थी जिस पर ध्यान नहीं दिया गया था, क्योंकि कांग्रेस की सरकार ऐसी योजना पर ध्यान नहीं देती है। शर्मा ने कहा कि राजस्थान और हरियाणा में भाजपा की सरकार है। हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर जी ने बहुत ही सहयोग किया, क्योंकि इनमें 3 पाइपलाइन राजस्थान की और एक हरियाणा की डलनी है। उन्होंने कहा कि इस योजना से राजस्थान के जिले में पेयजल की समस्या दूर होगी। गौरतलब है कि केंद्रीय मंत्री शेखावत की पहल पर संशोधित पीकेसी ईआरसीपी लिंक प्रोजेक्ट को लेकर राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच सहमति बन चुकी है। इस लिंक प्रोजेक्ट से पूरी राजस्थान के 13 जिलों को पानी मिलेगा। राजस्थान और हरियाणा संयुक्त रूप से डीपीआर तैयार करेंगे। अंडरग्राउंड पाइपलाइन के जरिए जुलाई से अक्टूबर के बीच राजस्थान के चूरू सीकर झुंझुनू सहित अन्य जिलों में 577 एमसीएम पानी उपलब्ध कराया जाएगा। इससे पेयजल और सिंचाई की जरूरतें पूरी हो सकेंगी। अपर यमुना बेसिन में 3 जल भंडार रेणु के लिए लकवार और किसाऊ चिन्हित किए गए हैं, जहां से राजस्थान को हथनीकुंड से निर्धारित अवधि के लिए जल उपलब्ध कराया जाएगा। यदि संभव हुआ तो शेष समय अवधि में पेयजल और सिंचाई की जरूरतों को पूरा किया जाएगा। 12 मई 1994 के एमयू के अनुसार सह बेसिन राज्यों द्वारा संबंधित क्षेत्रों में यमुना जल के सर्वोत्तम उपयोग के लिए सुविधाएं बनाना आवश्यक है। अपर यमुना रिव्यू कमेटी ने 15/2/2018 को अपनी 7वीं बैठक में राजस्थान सरकार को सलाह दी थी कि यमुना के राज्यवाला हेड हरियाणा से राजस्थान के हिस्से के जल के ट्रांसफर के लिए डीपीआर तय करे, जिसे झुंझुनू और चूरू जिले में पानी उपलब्ध कराया जा सके। चूरू सीकर झुंझुनू सहित अन्य जिले में पेयजल आपूर्ति व अन्य जरूरतों के लिए यमुना जल की आपूर्ति आवश्यक मानी गई है। साथियों, ये थी आज की तमाम बड़ी खबरें। यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि नई नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे।